विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर महापुरुषों की धरती गुजरात के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल माधवपुर घेड़ में संपन्न इस भव्य पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के आसन पर विराजमान हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला माननीय मैडम सविता कोविंद जी, उपस्थित गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री होस्ट मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनार्ड सांगमा जी, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, गुजरात सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं संसदगण, गुजरात सरकार के आदरणीय मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार जी, पोरबंदर जिला के जिलापाल एवं प्राधिकरण के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग, उपस्थित सभी अतिथिगण एवं प्रतिनिधिगण, गुजरात के आदरणीय जन समुदाय, प्रेस एवं मीडिया के मित्रगण, आप सभी को सादर नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण माधवपुर गेट पर्व के साक्षी बनने के लिए हम हिमाली राज्य सिक्किम से आए हैं। लग रहा है कि हम खुशियों की सागर के पास आ गए हैं। आज भगवान श्री राम जी का जन्मदिन रामनवमी है। यहाँ एकत्रित सभी आदरणीय जनों में रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। महापुरुषों की धरती द लैंड ऑफ लेजेंड से लेकर ज्वेल ऑफ द वेस्ट नाम से प्रख्यात गुजरात की इस धरातल में आते ही खुशियों से जी भर जाता है। गुजरात के नाम सुनते हमारा हृदय बहुत गर्व महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण जी एवं शांत सुदामा जी, सागरमती के शांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन धरती है गुजरात। इस धरती के प्रतिभाशाली महापुरुषों में महात्मा गांधी जी, दादा भाई नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मोरारजी देसाई जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी जैसे महान देशभक्तों ने इस महापुरुषों की धरती गुजरात में ही जन्म लिए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज विश्व स्तर पर सम्मानित एक वरिष्ठ नेता है और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एक अत्यधिक प्रभावी और कुशल राजनीतिज्ञ है। गुजरात की इस पावन धरती को नमन करते हुए मैं अपनी वक्तव्य को आगे बढ़ रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत के विविधता में एकता की भावना का उत्सव मनाने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी। उनके महान कल्पना का साकार प्रदर्शन का एक हिस्सा आज इसी गांव में अवलोकन कर हमारे दिल खुशियों से भरा है। हम भाव विभोर होकर ये अनुष्ठान का आनंद ले रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत और आज़ादी का अमृत महोत्सव के ये ऐतिहासिक क्षण पूरे देश में गूंज रहे। हमारे पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी बहुत धूमधाम के साथ ये महोत्सव मना रहे। स्वातंत्र के 75 वर्ष पूरी होने पर मनाई जा रही आज़ादी का अमृत महोत्सव में उत्तर पूर्वी राज्यों को प्राथमिकता देकर निमंत्रण देने हेतु आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी के शब्दों में एक पद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक राष्ट्र की संस्कृति उसके रहने वाले लोगों की आत्मा में और दिलों में रहित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी
कि इस भूमि में आकर मैं असीम आनंद का महसूस कर रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर नमक सत्याग्रह आंदोलन के उन पुरावृत्तक को फिर से जीवंत बनाने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अवधारणा के अनुरूप 2021 में डंडी की यात्रा का आयोजन किया था। उस आयोजन में हमको भी शामिल होने का अवसर मिला था। गुजरात के पारंपरिक काल की उल्लेखनीय गतिविधियों से लेकर आज तक की रोचक तथ्यों से हमको बहुत प्रेरणा मिली है, जिसमें शामिल है यहाँ के विभिन्न पर्यटन स्थल, सबसे अधिक बंदरगाहें, सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास, 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ मंदिर, विश्व में सबसे ऊंची लोहा पुरुष पटेल जी की समर्पित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि द्वारिका और उनके प्यारे दोस्त सुदामा की जन्मभूमि पोरबंदर, यहाँ के गरवा व डांडिया नित्या, यहाँ के प्रसिद्ध गिर गाय और उनकी पौष्टिक दूध, यहाँ का प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ अवस्थित पूर्णिमा के चांदनी में जगमगाने वाली कांस का रेगिस्तान, यहाँ के अनेकों मंदिर आदि हमारे लिए नमूने बनकर रहे हैं। इसके अलावा ये राज्य दूध उत्पादन में एक नंबर में आने वाले राज्य है, जिससे हमको बहुत प्रेरणा मिली है। हम भी अपने राज्यों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर गौ पालक को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ताकि उनमें इस क्षेत्र में प्रति आकर्षण बढ़ जाए। हमने डायरी फार्मिंग में गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अमूल मॉडल को अपनाया है। गुजरात राज्य हमारे सिक्किम राज्य से कई महत्वपूर्ण तरीकों से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी संख्या में गुजराती पर्यटक सिक्किम में हर मौसम में आ रहे हैं और सिक्किम के प्राकृतिक सुंदरता और सिक्किम के लोगों के प्रेम भरे आतिथ्य का आनंद लेते हैं। अब हम गुजरात के साहसी युवकों को सिक्किम के ऊंचे इलाके की यात्रा करने, अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सिक्किम में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, जातीय, जैविक विविधता, नदियों, जलवायु परिवर्तन, आपदाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययनों के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस पर हम दोनों राज्य बीच विचारों का आदान प्रदान करेंगे। साबरमती आश्रम के लाइट एंड साउंड शो का ही मॉडल अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में हम सिक्किम में भी स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके सुझावों और तकनीकी सहायता को हार्दिक आमंत्रित करना चाहता हूँ। सत्य, अहिंसा और धर्म के रक्षक द्वारका नरेश के रूप में इसी भूमि में रहकर सृष्टि को पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी को मैं पूर्ण भक्तिभाव से नमन करता हूँ। उनके परम मित्र सुदामा जी के जन्मस्थान पोरबंदर में आकर आज हम कृतज्ञ हो गए हैं। मैं नमन करता हूँ पोरबंदर के ही उपस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और अन्य अन्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित सभी महान पुरुषों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ देश के प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के प्रतिभाशाली गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। सभी केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय राज्य मंत्रीगण, गुजरात के माननीय मंत्रीगण, उच्च पदस्थ अधिकारीगण, स्थानीय प्राधिकरण के सभी अधिकारी वर्ग, कार्यक्रम आयोजक समिति के सभी सदस्यगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए सहभागीगण और आदि आदरणीय गुजरात के जन समुदाय को मैं अंतर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस ऐतिहासिक सभा में मुझे और सिक्किम के प्रतिनिधिमंडल को इतनी उदारता से आमंत्रित करने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में मुख्य अतिथि के आसन में विराजमान माननीय राष्ट्रपति महोदय और परम आदरणीय मैडम जी को पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वक्तव्य के यहीं पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात, जय सिक्किम। सर, आपके
भावपूर्ण शब्दों के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माधवपुर श्री कृष्ण के रुक्मिणी के संग विवाह के लिए जग